हेलो दोस्तों, टेक न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब सब कैसे होंगे, आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो है मेरे पास EMI का 4K सेट टॉप बॉक्स, ये जो है किसी भी नॉर्मल टीवी को जो है स्मार्ट टीवी बना सकते 4K में। और इसमें दोस्तों एक नया सिस्टम अपडेट भी आ चुका है, एंड्रॉइड सिस्टम अपडेट अवेलेबल। तो पहले दोस्तों ओरियो 8.0 मिलता था और बहुत पुराना सिक्योरिटी पैच के साथ, देख सकते ये वाला बॉक्स है। तो अब देखने वाली बात है कि इस अपडेट कर देने के बाद क्या क्या नया चेंजेस देखने के लिए मिल जाता है। और इसमें मैं एक जो लैन कन्वर्टर लगा के रखा हूँ, TP लिंक का, ये आप देख सकते हो व्हाइट कलर का, तो ये किस तरह से कनेक्शन करते हैं। और अगर आप लेना चाहते हैं नॉर्मल टीवी को, स्मार्ट टीवी बना सकते हैं, तो इसके सिवा कुछ और कोई चारा नहीं है। और बहुत सारा जो मार्केट पे मिल जाता है बेसिकली फायर टी एक्शन, गूगल क्रोम कास्ट, तो वो उतना अच्छा खास कुछ नहीं है। और ये वाला बिल्कुल प्योर एंड्रॉयड पर चलता है और बहुत ही अच्छी तरीके से, बेसिकली मैं एक साल से इसको यूज कर रहा हूँ। इसका मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में बाइंग लिंक और इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो मैं दे दियाऊंगा, वहाँ पर जाकर आप देख लेना। 5th October 2018 का सिक्योरिटी पैच अवेलेबल है। EMI बॉक्स 3 इसका मॉडल नंबर है, आप देख सकते हैं। तो अगर चाहे तो आप उसको वहाँ से जाके इसको आप ले भी सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस देख सकते हैं, बहुत ही छोटा अपडेट है, 133.9 MB का। और इसमें कुछ फिक्सेस वगैरह चेंजेस किया गया है, पहले रिमोट का इशू था वो भी सॉल्व किया गया है कि नहीं, और क्या सिक्योरिटी पैच चेंज होता है, और जो एंड्रॉइड सिस्टम अपडेट है वो भी चेंज होता है कि नहीं। फटाफट हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिल जाता है इस अपडेट कर देने के बाद। और अगर आपका नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी बनाना चाहते हैं तो इसको आप डेफिनेटली ले सकते हैं। इसमें L1 का भी सपोर्ट है, जिसमें आप नेटफ्लिक्स 4K पे चलता है और हॉटस्टार भी फुल HD पे चलता है, अमेजन प्राइम वगैरह वीडियो फुल HD पे चलता है, कोई भी इशू नहीं है इसमें। बेसिकली एक साल से मैं यूज कर रहा हूँ। तो पहले डॉल्बी ऑडियो के साथ DTS साउंड सिस्टम भी इसको सपोर्ट करता है, इसका साउंड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है आउटपुट। तो इंस्टॉलिंग सिस्टम अपडेट आप देख सकते हैं, ये वाला मेरा TV है View का, तो मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक बाइंग लिंक अनबॉक्सिंग का वीडियो जो मैं यूज कर रहा था वो भी दे दूंगा। तो चलिए इससे फटाफट इसको बूट अप होते देते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से चेंजेस देखने के लिए मिल जाता है। तो फटाफट बूट हो जाता है, एंड्रॉइड लोगो आ जाता है और पहले से बूटिंग टाइम बहुत ही कम हो गया है। और इसका जो इंटरफेस है ये कुछ देख सकते इस तरह से है। और अगर आप EMI बॉक्स के कुछ वीडियो देखना चाहते हो वो भी मेरे को कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर इसका वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसका कुछ इंटरफेस कुछ इस तरह से है। चलिए इसको फिर से हम लोग सेटिंग्स पे चलते हैं, और अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो। और चैनल को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो EMI बॉक्स 3 मॉडल नंबर देख सकते हो, और अभी भी दोस्तों जो है EMI बॉक्स 3 और नीचे देख सकते हो वर्जन अभी भी 8.0 ही मिलता है। पर अच्छी बात है कि एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच अवेलेबल 5th January 2019 का देखने के लिए मिल जाता है, दोस्तों पहले 2018 का था। और बिल नंबर ऑब्वियसली चेंज हो चुका है। कुछ थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन था दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, चैनल पर नया आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर देना, और जरूर कमेंट करके बताना आप इसका रिलेटेड वीडियो और देखना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है।